राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार ने फिर से टेंशन पैदा कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के लिए कोरोना की ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए चौथी वेव है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार एक आपात बैठक की। सीएम ने बैठक में कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस बार कोरोना की लहर पिछली बार से कम गंभीर है। सीएम ने बताया कि बीते अक्टूबर के मुकाबले अभी आईसीयू में कम मरीज भर्ती हो रहे हैं। इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं, और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस, 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट थे और आज लगभग 800 के करीब, 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी, आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है, कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है, होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को 3594 नए केस दर्ज किए गए और 14 लोगों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल दिल्ली में 11994 एक्टिव केस है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। अनुरोध है कि सभी मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उन्होंने कहा कि आज मीटिंग में हमने हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, बेड्स की व्यवस्था को लेकर पूरी प्लानिंग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली तीन वेव को दिल्ली वालों ने खूबसूरती से हैंडल किया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर सरकार ध्यान दे रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार का रोल अब कम है, जनता का रोल ज्यादा है। हम दिल्ली वाले पहले भी कामयाब हुए हैं, आगे भी होंगे। फिर से मास्क पहनना शुरू करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और लगातार हाथ धोएं। हॉस्पिटल पर काम हो रहा है। वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को 2790 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 9 मरीजों की मौत हुई थी। इससे एक दिन पहले बुधवार को 1819 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 11 लोगों की मौत हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।